गुड मॉर्निंग क्लास थ्री. टुडे वी विल स्टडी लेसन 44. सिमिलर साउंड्स यानी जो वर्ड एक जैसे मतलब होते हैं, हम उन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. यानी जो सिमिलर साउंड करते हैं, एक जैसा साउंड करते हैं, जैसे फ्लावर, फ्लोर, है ना, रेन, राइन, टेल, टेल, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, वी विल स्टडी अबाउट दैट. Homophones are the words which have similar sounds but have different meanings. Yani homophones are the words, aise shabd hote hain homophones which have similar sounds, jinka sound to similar hota hai. Yani sound jo hum bolte hain words, wo same hote hain sound, jaise flower, floor, lekin they have different meaning. Unki jo meaning hoti hai wo alag alag hoti hai. ओके, दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स टू. उनकी जो स्पेलिंग्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, लेकिन जो वर्ड होता है वो सिमिलर साउंड करता है, मतलब एक जैसा साउंड करता है. डोरेमोन विल हेल्प यू टू फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ सी नंबर वन, लोटस इज इंडियाज नेशनल डैश. ये तो आप सबको पता है, लोटस इंडिया का नेशनल क्या है, नेशनल फ्लावर है. ठीक है, F L O W E R, फ्लावर यानी फूल. ब्रेड इज मेड ऑफ, ब्रेड किस चीज से बनी हुई होती है, फ्लोर, F L O U R. अब ये देखो, ये दोनों वर्ड्स कितने सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना, फ्लावर फ्लोर, है ना, दोनों सिमिलर हैं, लेकिन ये फ्लावर का मतलब होता है फूल और ये फ्लोर का मतलब होता है आटा. ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर यानी ब्रेड आटे से बनी हुई होती है. नाउ नंबर टू, ही वेंट अप टू फेच अ पेल ऑफ वाटर. यानी ही वेंट अप, वो गया टू फेच, क्या लाने के लिए, पेल ऑफ वाटर, पेल यानी बाल्टी पानी. ही वेंट अप, वो गया किस चीज के लिए, एक बाल्टी पानी लाने के लिए. यहाँ पे पी ए आई एल, पेल का मतलब होता है बाल्टी. She is looking pale, यानी वो कुछ पे. अब यहाँ पे ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है बाल्टी, और ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है पीला. तो ये कहना चाह रहा है, ये वर्ड कहना चाह रहा है, she is looking pale, यानी उसका कुछ, वो कुछ पीले, मतलब कुछ उसका फेस कुछ पीला पीला दिख रहा है. नंबर थ्री, नाउ सी सिमिलर साउंड वर्ड्स, पेल पेल, देयर इज नो डिफरेंट इन दिस वर्ड. ओके, साउंड में कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों की. नंबर थ्री, ऑन मंडे, मंडे को अ लाइट रेन बिगैन टू फॉल, यानी हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ने लगी, हल्की बारिश होने लगी. शाहजहाँ's reign was called as golden era of the Mughals, यानी शाहजहाँ का राइन यानी शासन काल जो था, शाहजहाँ का जो शासन काल था उसे सुनहरा युग कहा जाता था. गोल्डन इरा यानी गोल्डन यानी सुनहरा, इरा यानी युग. तो जो शाहजहाँ का शासन काल था उसे सुनहरा युग कहा जाता था, मुगलों का. नाउ कम ऑन नंबर फोर, टेल मी द टेल ऑफ सिंड्रेला. यहाँ पे देखो, ये एक ये टेल है, एक ये टेल है, सिमिलर वर्ड्स लेकिन मीनिंग दोनों की अलग है. ये टेल मतलब कहानी, ये टेल मतलब पूंछ. टेल मी द टेल ऑफ सिंड्रेला, मुझे सिंड्रेला की कहानी सुनाओ. और द रैट हैज अ लॉन्ग टेल, यानी रैट की, चूहे की लंबी पूंछ होती है. नाउ सी नंबर फाइव, द स्कूल इज क्लोज ऑन संडे, यानी संडे को स्कूल बंद रहेगा. ही लव संडे आइसक्रीम. अब यहाँ पे ये कह रहा है, ही लव संडे आइसक्रीम, संडे यानी जो फ्रूट से बनी हुई आइसक्रीम होती है वो उसे बहुत पसंद है. अब ये देखो, दोनों वर्ड सिमिलर है ना, लेकिन दे हैव डिफरेंट मीनिंग, संडे एंड संडे. दिस इज संडे यानी रविवार, और दिस इज संडे यानी मेड ऑफ फ्रूट आइसक्रीम. नंबर सिक्स, रितु डैश अ केक टू ईट. रितु मेड अ केक, रितु ने एक केक बनाया खाने के लिए. यहाँ पे मेड यानी बनाना. और रेमोनाज डैश डिड नॉट कम यस्टरडे. अब ये देखो, ये मेड,
ये मेड का मतलब होता है काम वाली या नौकरानी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रमोना की जो मेड है, जो काम वाली है, वो यस्टरडे यानी कल, एक दिन पहले नहीं आई थी। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन। ओके, सो नाउ क्लास कम ऑन लेसन 45। ऑल टाइम फेवरेट यानी हमेशा का फेवरेट, जो हमारा हर वक्त का फेवरेट रहेगा, पसंदीदा रहेगा। वी विल स्टडी दिस चैप्टर। द पिक्चर्स बिलो शो कैरेक्टर्स फ्रॉम फेमस स्टोरीज, यानी ये देख रहे हैं ना, ये नीचे जो पिक्चर्स दी हुई हैं, ये कह रहा है कि ये फेमस स्टोरीज, कुछ अच्छी कहानियों की, बहुत अच्छी स्टोरीज के कुछ कैरेक्टर्स हैं ये, ठीक है। नेम देम विद द हेल्प ऑफ डोरेमोन, हमें इनके नेम्स बताने हैं। नाउ कम ऑन नंबर वन। नाउ सी पिक्चर नंबर वन, ऑप्टिमस प्राइम। व्हाट इज दिस कैरेक्टर्स नेम? ये आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर्स देखा होगा ना, पहले के टाइम में ये कितना आता था, ट्रांसफॉर्मर्स आता था, ठीक है। कई सारे लोग रहते थे मिलके, ऐसे मशीनें बन जाते थे। तो इसका क्या नाम है? ऑप्टिमस प्राइम, ओ पी टी आई एम यू एस पी आर आई एम ई, ऑप्टिमस प्राइम। नंबर टू, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ होमर सिंपसन, एच ओ एम ई आर एस आई एम पी एस ओ एन। नंबर थ्री, सी दिस पिक्चर, ये भी आप लोगों ने स्टोरी है, ये तो अभी भी टीवी पे आता है ना, ये क्या है? द लिटिल मरमेड, टी एच ई एल आई डबल टी एल ई एम ई आर एम ए आई डी। नाउ कम ऑन नंबर फोर, ये देखो ये कौन सा कैरेक्टर है, ये तो पता होगा। वैसे ये एक्सरसाइज यू कैन डू इट योर सेल्फ, ये आपके फेवरेट कार्टून्स हैं जो आप लोग टीवी पे देखते होंगे, है ना, तो ये तो आप इसको खुद ही नाम लिख सकते हो। तो पहले डोंट लुक इन द दिस वीडियो, ये पहले मत देखिएगा, ओके, ट्राई टू डू इट योर सेल्फ, फिर उसके बाद जब जो नहीं आएगा तो फिर उसमें से देख लीजिएगा। नाउ सी नंबर फोर, ये कौन सा कैरेक्टर है? स्पाइडरमैन, एस पी आई डी ई आर एम ए एन। नंबर फाइव, ये कौन सा कैरेक्टर है? नॉडी, एन ओ डबल डी वाई। नाउ सी पिक्चर नंबर सिक्स, ये कौन सा कैरेक्टर है? ग्रीन गॉब्लिन, जी आर डबल ई एन जी ओ बी एल आई एन, ग्रीन गॉब्लिन। ये कैरेक्टर है पीटर पैन, पी ई टी ई आर पी ए एन। ये कैरेक्टर है सुपरमैन, एस यू पी ई आर एम ए एन। नाउ कम ऑन नोज बेस्ट, द जंगल बुक 1894 इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बाय इंग्लिश नोबेल लॉरिएट रुडयार्ड किपलिंग। यानी ये कह रहा है कि जो जंगल बुक है, ये जो द जंगल बुक, ये जो सबसे फेमस स्टोरी है, सबसे फेमस कलेक्शन है, 1894 में बनाई गई ये स्टोरी बुक, द जंगल बुक, ये जो कलेक्शन है ये किसने बनाया? रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा बनाई गई, जिन्हें इंग्लिश के लिए नोबल पुरस्कार मिला है, जो नोबल पुरस्कार के विजेता हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी किसने बनाई है? द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग। नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन। नाउ लेसन 46, अ जंबल्ड टेल। यानी यहाँ पे नीचे देखो आपको एक कहानी दी हुई है, टेल मतलब होता है कहानी। दीज पिक्चर्स इलस्ट्रेट अ पॉपुलर स्टोरी, इलस्ट्रेट यानी उदाहरण देकर स्पष्ट करना, या किसी चीज़ को, ये जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं ये आपको क्या डिनोट कर रही हैं, ठीक है। तो ये वो दिया हुआ है कि दीज पिक्चर्स इलस्ट्रेट अ पॉपुलर स्टोरी, ये जो पिक्चर्स आपको दी हुई हैं ये एक कहानी दर्शाती है। बट दे आर नॉट इन राइट ऑर्डर, लेकिन ये सही ऑर्डर में नहीं लगी हुई हैं। यहाँ पे प्रिंस लेके भाग रहा है, ये शीशे में देख रही है ना, तो ये ऑर्डर्स में नहीं है। तो हमें क्या करना है? इन्हें राइट ऑर्डर में लगाना है, नंबर देम करेक्टली, इन्हें नंबर्स में करना है, एंड राइट द नेम ऑफ द स्टोरी।
फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पिक्चर्स, क्या लगता है आपको ये कौन सी स्टोरी होगी? दिस इज अ स्टोरी ऑफ स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स. स्नो वाइट और सेवन ड्वार्फ्स की कहानी है ये, उसकी पिक्चर्स बनी हुई हैं. नाउ लेट्स गिव अ राइट ऑर्डर टू दीज पिक्चर्स. सो नाउ सी पिक्चर नंबर वन. देखो ये इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, इस पिक्चर में दिख रहा है कि एक हॉर्स है और एक प्रिंस है जो कि एक प्रिंसेस को लेके जा रहा है. ठीक है, यानी ये हो सकता है कि हमारा ये लास्ट पार्ट हो. ये इस पिक्चर में देखो ये क्वीन आईने में देख रही है और इसे किसी और लड़की का चेहरा दिख रहा है ना. नंबर थ्री पिक्चर, ये 1 2 3 4 5 6 7 ड्वार्फ्स है और एक गर्ल है. 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 ड्वार्फ्स हैं और ये गर्ल लेटी हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली. ये स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स आपकी इंग्लिश की बुक में है, ये इसको पढ़िए और फिर उसके बाद इसको नेम करिएगा. ठीक है, नाउ दिस इज योर नंबर वन. ये सबसे पहले ये होता है कि ये जो लेडी रहती है, ये जो क्वीन रहती है, ये मिरर में देखती है और मिरर में बोलती है कि हु इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, यानी सबसे सुंदर कौन है. ये अपना नाम सुनना चाहती है लेकिन ये प्रिंसेस की फ़ोटो आ जाती है. तो ये अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर करती है कि इसको जाके, स्नो वाइट इसका नाम रहता है, कि स्नो वाइट को जाके जंगल में छोड़ाओ. तो जब वो जंगल में उसको छोड़ के आते हैं दिस गर्ल को, तो वो पहुंच जाती है एक जंगल में छोड़ते हैं तो ये पहुंच जाती है, इसको एक घर दिखता है. दिस इज योर पिक्चर नंबर टू. इसको एक घर दिखता है तो ये घर खाली रहता है तो ये अंदर जाती है, इसमें रहती है, तो तब से वहां पे सेवन ड्वार्फ्स आ जाते हैं. दिस इज योर पिक्चर नंबर थ्री. सेवन ड्वार्फ्स आते हैं तो ये यही पे इनके साथ खुशी खुशी से रहने लगती है और ये सेवन ड्वार्फ्स की सेवा भी करती है, उनके खाने पीने का बनाती है, उनका ख्याल रखती है. ठीक है, तो ये नंबर थ्री है. नंबर फोर पिक्चर ये है, जब इसको फिर से पता चलता है, ये मिरर से पूछती है कि सबसे ब्यूटीफुल कौन है, तो मिरर स्नो वाइट की इमेज दिखाता है. तो फिर ये जब ढूंढ लेती है इसको तो प्लान बनाती है इसको मारने का, तो इसको सेब में जहर मिला के देती है. ठीक है, ये आपकी पिक्चर नंबर फोर है. तो स्नो वाइट उसे खा लेती है एप्पल को और ये देखो क्या हो जाता है, यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है. ठीक है, तो ये नंबर फाइव है. तो जो सेवन ड्वार्फ्स रहते हैं वो उसके पास ही बैठे रहते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये मर जाती है तो फिर वहां से एक प्रिंसेस जाता रहता है, सॉरी एक प्रिंस जाता रहता है, एक राजकुमार. ये लोग क्या करते हैं कि इसको ले जाते हैं एक जगह पे लेटा देते हैं, ठीक है, इसकी बॉडी को, और वहीं पे खड़े रहते हैं, सब देखते रहते हैं. तो एक प्रिंस वहां से गुजरता है तो ये जब देखता है इसको तो ये इतनी ब्यूटीफुल रहती है तो वो अपना घोड़ा रोक के इसके पास आता है. और फिर उसके बाद ये इन सेवन ड्वार्फ्स से कहता है मैं इसे ले तो नहीं जा सकता लेकिन क्या मैं इसे देख सकता हूँ. तो इसे देखता है और इसके फोरहेड पे किस करता है और इसका जहर जो होता है सारा वो उतर जाता है और फिर उसके बाद ये जिंदा हो जाती है. तो ये प्रिंस जो होता है ये स्नो वाइट को लेके अपने साथ अपनी किंगडम में चला जाता है. तो दिस इज द स्टोरी एंड दीज आर योर नंबरिंग्स ऑफ द पिक्चर्स. इनको कोशिश करिएगा कि पहले आप खुद से करें उसके बाद कॉपीड फ्रॉम द वीडियो. एंड नाउ क्लास थ्री, योर बुक अप टू पेज 59 इज कम्प्लीटेड. कम्प्लीट इट एंड प्लीज डोंट डू एनी स्पेलिंग मिस्टेक इन राइटिंग ऑल दी स्पेलिंग्स एंड सबमिट योर बुक्स इन स्कूल फॉर चेकिंग. ओके, थैंक यू क्लास.